किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कितना अकेला हो गया है आज का इंसान, अपने ही घर में अपनों को ढूंढता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बहुत छोटी सी कहानी एक सेठ जी की, जो गांव में रहते थे, बड़ी सारी जमीन थी, हवेली थी, सब छोड़ छाड़ के शहर में आ चुके थे। शहर में 4 बेडरूम का उनका घर था, 2 बेटे थे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हुए, जॉब करने लगे और अचानक से विवाद बढ़ता गया प्रॉपर्टी को लेकर के, डिस्प्यूट होने लगा। आए दिन घर में झगड़े होते थे और एक दिन तो हद हो गई, दोनों भाई मरने मारने पर उतारू हो गए, हाथापाई होने लगे। ये वहीं हो रहा था जहां लिविंग रूम था उनका, जहां हॉल था। जब ये हो रहा था तो वो जो सेठ जी थे वो जोर जोर से पेट पकड़ के हंसने लगे। दोनों भाइयों को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। उन्होंने कहा, पापा यहां झगड़ा चल रहा है और आप जो है हंसते चले जा रहे हैं। पिताजी ने कहा, बात ही ऐसी है, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना झगड़ा कर रहे हो, हमारे पास में तो अनमोल खजाना है, वो दिखाता हूं तुम्हें, चलोगे? दोनों भाइयों के कान जो थे सुनने के लिए तैयार थे, कहां पर है, कहां चलेंगे, कैसे चलेंगे। पिताजी ने कहा, अरे सुनो सुनो, आराम से सुनो, पहली बात तो तुम झगड़ा नहीं करोगे तो मैं लेके चलूंगा, प्रेम से चलेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है जी, 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, चलकर आते हैं। अगली सुबह वो बस यात्रा के लिए तैयार थे। 10 घंटे का रास्ता था, बहुत ही इंटीरियर में जाना था, अपने पुराने गांव में जाना था जहां रहते थे। दोनों भाई बस में बैठ गए, पिताजी बैठ गए। अंदर जब गए बस में, देखा कि 2 ही सीट खाली थी, जाने वाले 3 थे। तो पापा के पास में एक बंदा बैठ गया, फिर दूसरा भाई खड़ा रहा, थोड़ी देर के बाद में एडजस्ट करते चले गए, एक बार एक बैठ रहा था, दूसरा बैठ रहा। 10 घंटे की वो लंबी यात्रा समाप्त हुई, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, बल्कि एक्साइटमेंट था कि वो क्या है अनमोल खजाना जो देखने के लिए जा रहे हैं गांव में। गांव में पहुंचे तो पिताजी के पुराने जानकार मिल गए, नमस्कार करते हुए, हाय हेलो करते हुए आगे बढ़े। और गांव के आखिरी कोने पर पहुंचे तो दूर से दिख रही थी एक हवेली, जो जिसके पास पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे जैसे पास जाते गए, उन्हें दिखाई दिया कि हवेली खंडर हो चुकी है। वो जो पापा थे, उन्होंने देखा सेठ जी ने कि ये तो पूरी बेकार हो चुकी है, कबूतरों ने घोंसले बना लिए, झाड़ियां उग गई हैं, वीरान सुनसान हो गई है। और जहां उन्होंने ये देखा, वो हवेली के बाहर ही बैठ करके रोने लग गए, रोते चले जा रहे थे। दोनों भाइयों को समझ में नहीं आया, पापा को क्या हो गया, पूछा, पापा क्या हुआ? पिताजी ने कहा, याद करो वो बचपन जब तुम इसी आंगन में खेला करते थे, शायद तुम्हें अच्छे से याद ना हो, तुम बहुत छोटे थे, हम तुम्हें लेकर के चले गए शहर में, तुम्हें पढ़ाना था, लिखाना था, आगे बढ़ाना था। तुम्हें पता है जो हवेली है, इसके लिए मैंने अपने बड़े भाई साहब से झगड़ा कर लिया था, और हम भी दोनों भाई के बीच में झगड़ा इतना बढ़ता गया, मैं तो मरने मारने पर उतारू हो गया। बड़े भाई साहब ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने कहा, तू रख ले हवेली। वो विदेश में जाकर के बस गए, लेकिन उस दिन के बाद आज तक मुझसे बात नहीं की, मुझसे मिलने नहीं आए, मेरा हालचाल नहीं जाना, इस हवेली के चक्कर में मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया। और कल जब मैं तुम्हारा झगड़ा देख रहा था तो मुझे लगा कि तुम मेरी जैसी गलती कर रहे हो, ये देख रहे हो हवेली जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी, आज इसमें कबूतरों ने घोंसला बना लिया। एक बात बताओ, अभी जिस बस में हम आए, क्या वो सीट हमें हमेशा के लिए मिल सकती है? दोनों भाई हंस करके कहने लगे, पापा क्या बात कर रहे हो, बस की सीट कभी परमानेंट होती है क्या? बस तो चलती रहती है, सवारियां बदलती रहती है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, बैठते रहते हैं लोग। तो पिताजी ने कहा, क्या तुम उसके लिए झगड़ा कर सकते हो? दोनों भाइयों ने कहा, झगड़ा क्यों करेंगे इतनी छोटी सी चीज के लिए? सेठ जी ने कहा, बस यही तो समझाना चाह रहा हूं, इतनी छोटी सी चीज के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये भी तो बस की यात्रा है, कोई आएगा फिर कोई आएगा, सीट पर सवारियां बदलती रहेंगी, उस सीट के लिए झगड़ा नहीं करना जो थोड़ी सी देर के लिए मिली है। मैंने अपने भाई से झगड़ा किया और भाई को खो दिया, हवेली मिल गई, लेकिन हवेली आज किसी काम की नहीं है। तुम दोनों झगड़ा करोगे, प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी लेकिन अपनापन चला जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। उस बस की यात्रा में जैसा तुमने तालमेल बैठाया था, बस वो बैठाना सीख लो, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत छोटी सी कहानी जो बताती है कि मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे हम इमोशनल दुनिया को बहुत पीछे छोड़ा है। अगर आप भागते दौड़ते रहेंगे सिर्फ उस अंधी दौड़ में जिसमें आगे जाकर अंधेरा है, तो आप वो अपनापन, प्यार, मोहब्बत खोते चले जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।